अपन ये क्लियर कर देते हैं कि इस पिछले हफ्ते में हुआ क्या एक्चुअली, ये सबसे पहले जरूरी था। आशीष भाई पहले आप ही शुरू करते हैं कि पहला ट्वीट आप ही ने चालू किया मेरी मेरी क्या गंदी आदत है ना, ऐसा आदमी नहीं उठता है, खाता है, पीता है, था। हकता है, ऐसा मेरे को ऐसा ट्वीट करने का आदत है। ट्विटर हाँ ट्विटर पे गंदी आदत है, ठीक है। मैं हाँ एक दिन ऐसा उठा, मैंने बोला यार बहुत टाइम से ऐसा अपने को फैन शो करने का बड़ा मन था, फैन हाँ शो बिफोर द मूवी रिलीज फैंस के लिए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज होती है जो बहुत मजा आता है वहां पे, एकदम सब ऐसा कट्टर एकदम मार्वल के फैंस आते हैं। ये वाला पार्ट ट्विटर बहुत पे इम्पोर्टेंट गया, है। हाँ हाँ बिफोर तो बिफोर द मूवी रिलीजेस। बिफोर द मूवी, गाइज हाँ रिमेंबर दिस, बिफोर, अंडरलाइन दिस, बिफोर द मूवी। मैं हाँ ट्विटर पे गया, मैंने बोला यार गाइज एक फैन शो करना है मुझे, किसका करे? तो आए हाँ क्वेश्चंस, आए आंसर्स, आए लोगों के, मैक्सिमम डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर लव एंड थंडर के हाँ ऊपर, ऑब्वियसली दोनों मोस्ट पॉपुलर फिल्म्स ऑफ द ईयर अपकमिंग ईयर, पर दिस टू तो 2022, तो उसके ज्यादा कमेंट्स थे। हाँ आई एम लाइक यार कमेंट्स में तो डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर के ही है, तो मैंने उसको हाँ कोट ट्वीट करके वापस लिख दिया। अब किसी ने मेरे को लिखा तुमने ये आइडिया मैन ऑफ कल्चर से चुराया है। मैंने बोला एक हाँ मिनट, मैं ये फैन शो जो रखने वाला हूँ इसमें मैं ये तीनों को इनवाइट करने वाला हूँ, इसके बारे में मेरा प्लान ऑलरेडी इटरनल से चल रहा है, इनफैक्ट इटरनल्स भी नहीं शैंक्सी से चल रहा है। तो मैंने वो बंदे को लिख दिया कि भाई क्या बोल रहा है, कॉपी क्या बोल रहा है, मतलब ऐसा ये कॉपी क्या है कि मतलब आज तूने खाना खाना खाया उठ के तो मैंने भी खाना खाया, ये कॉपी कैसे हो गया? वही तो ना गाइस वही ने ना कॉपी कर लिया, तो मैंने उसको रिप्लाई किया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ गाइस, हाँ मतलब ऐसा ट्विटर खोल रहा हूँ, तुम लोग को पता है बड़ी बात, मेरे को हर कोई पूछ रहा है जो मतलब जो नॉन यू नो यूट्यूब इतना नहीं देखता है, या नॉन नर्ड कम्युनिटी, नॉन नर्ड, ये मैन ऑफ कल्चर कौन है? मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे हैं। मैं बोला पॉडकास्ट है, ग्रुप है तीन लोगों का, मोहित, प्रियांशु, बादल, बहुत बढ़िया यूट्यूबर है ये, अभी डाला मैंने ये हाईलाइट सुनो 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 सुनो, एडिटर एडिटर, ये जो पार्ट इन्होंने बोला ना बहुत बढ़िया, इसको ऐसे 3 बार प्ले कर देना, सीधे सीधे जो होता है ना, जूप जाप जिप, अब ऐसे। ऐसे धूम तो ता ना 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 चालू हो गया, ना चालू हो गया, आपने आइडिया चोरी किया है, ऐसे लालचन लगाया। और प्रॉब्लम क्या है, जब तुम ना ऐसा ऐसा क्रिएटर रहते हो ना जो ऐसा फेमस है, हाँ नॉट अगेन सेइंग ये लोग भी फेमस है बहुत, वो मुझे पता चल हाँ गया है गाइस, मेरी बात समझने की कोशिश करो मैं क्या कर रहा हूँ। ये लाइन जैसे अभी मुंह से निकली ना आशीष के, लेट मी रीफ्रेज इट, दैट यू आर एन एक्सपीरियंस क्रिएटर ना, कमिंग बैक टू एक्सपीरियंस क्रिएटर, तो तुम हो जाते हो विलन, तुम हो विलन, मतलब तुम हो बॉस, गंदे वाले टॉक्सिक क्रिएटर, तो जिसका जो उठता है और 5-6 क्रिएटर्स को नीचे दबाता है, फिर ही वो सक्सेस की सीढ़ियों पे चढ़ता है। मुझे एक हफ्ते में वैसा बना दिया, किसने आइडिया कॉपी किया है ये किया। मैंने बोला भाई साहब, आई किड यू नॉट, मैंने मोहित को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, मोहित मेरा क्या मैसेज था रात को जो तूने मिस किया था? मेरा मेरे 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 में डीएम था कि भाई मेरे को हाथ की नस काटनी है, मेरे को ब्लेड ला और दे। सुनो और सुनो वो डीएम मैंने नहीं देखा भाई, दबे क्यों मेरे से मिस हो गया वो डीएम। मैंने हाँ 3 बार सुनो, वो पता है कब देखा मैंने डीएम, मैं उसकी नहीं रियलिटी बताता हूँ। नहीं हम नहीं लोगों ने पहले मेरे को बताओ नहीं यहाँ पे बिजी इंसान उसको कौन है, उसको उसको यहाँ उसको पे डिसाइड सबसे पहले बिजी बोल आदमी देता कौन है बताओ। अरे मिस हो जाते हैं यार डीएम, ऐसे बहुत बार होता है मिस हो जाते हैं। तो अभी अभी आपको मैं एक सबसे मस्त बात बताता हूँ। जब आपका डीएम आया ना रात में किया था आपने शायद, तो उसके अगले दिन सुबह हम लोगों ने मैन ऑफ कल्चर का वाला पार्ट रिकॉर्ड किया था, पता है। ओह माय गॉड, अगर अगर इफ थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट, हाँ, थिंग्स अगर वो कुड हैव डीएम बीन देख डिफरेंट लेते। गाइस, हाँ एक और एक्सेस इवेंट क्रिएट करके जाके। तो मैं दोनों से पूछ रहा हूँ कि किसी को कुछ पता है कि नहीं पता है, क्योंकि मेरे से आशीष से कभी बात नहीं हुई थी, ठीक है। बादल मेरे से बोलता था जो कि भाई मेरी आशीष से बात हुई है कि चाहे जैसे भी बातें, और मैं मतलब कि बाहर से तो था कि हाँ चलो ठीक है बंदा बात किया है, अंदर से फिर मन था चल बे तेरे से क्यों बात करेगा। औकात में ओ तो वही बात है बिल्कुल कि भी, तो बिल्कुल आज होस्ट हो तुम भी नहीं, पॉडकास्ट के। हाँ नहीं, लेकिन तो क्या दिक्कत है, आशीष मेरे को ने, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मैं तुम ही आशीष, दोनों से हाँ पूछ रहा था कि क्या हो रहा है, तुमने बोला कुछ नहीं पता है, तो मैं भी बोला कुछ नहीं पता है।